अपने अंदर एक जुस्त जूस संभाले रखता है। क्या उसे मालूम नहीं कि सपने अक्सर टूट जाया करते हैं? क्या उसे अब भी एहसास नहीं कि जितना भी जुड़ने की कोशिश करें उनका टूटना तो तय है? हरियो बाबरे मन, जो तू जुस्त जो अपने अंदर महफूज संभाले रखता है, हर पल हर लम्हा भीड़ में अकेलेपन में अधूरेपन में हो जाना तो उसकी फितरत है। रो ले जितना रोना है, रो ले जितना रोना है, क्योंकि मैं जानती हूँ तो इस चक्रव्यूह में फिर से फंसेगा, और जब इस घाव से उभरेगा अपने अंदर एक और जुस्त जो पाएगा। सोना, अब और इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार? इंतजार कैसा? तुम जानती हो, और अब अनजान मत बनो। क्या? शादी कर लो मुझसे। अब तुम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं? हाँ तुम जानते नहीं मैं शादीशुदा हूँ। सच्चाई को देखो। क्या है सच? यही कि अमृत तुम्हें छोड़कर जा चुका है। वो शायद तुम्हारा सच है, मेरा सच ये है अमृत आज भी मेरे पति है और आज भी हम साथ में हैं। यू अलग अलग रह गए। तुम जानते ही क्या हो? अरे बहुत कुछ, मगर तुम अनदेखा कर रही हो। तुम सब लोगों को यही लगता है ना कि मुझे और अमृत को साथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम में से एक नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही, तुम सब लोग पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागते हो, वो नहीं चाहता ये। अरे पहले इतना तो कमा ले कि अपने बीवी और बच्चे को पाल सके। क्यों समझ में नहीं आता है भगवान? क्यों क्यों? हमारे पास पैसे हैं ना, इतने तो हैं कि हम हमारी जिंदगी आराम से काट सके। पता नहीं उस कायर और नामर्द ने तुम्हारे ऊपर कौन सा जादू कर दिया। What else you expect from me? मैं इतने सालों से तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस बस बस। लिए
हमेशा की तरह जल्दी आकर सब कुछ संभाल लेने के लिए। अरे क्या मैं इतना भी नहीं जानता देवयानी कि पार्टी शुरू होने से पहले तुम कितना घबरा जाती हो। हाँ हाँ, और तुम जल्दी आकर सब कुछ संभाल लेते हो। I swear डॉक्टर साहब, आप ना होते ना तो मैं एक भी पार्टी ही नहीं दे पाती थी। और आज अगर मेरे पति जिंदा होते ना वो तो आपसे बहुत जलन होती। बकवास। काश ये सब कुछ मैं खुद कर पाती, लेकिन इतना कुछ होता है करने के लिए, लोगों को संभालना, एक एक की तरफ ध्यान देना, और कभी कभी तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि मैं लोगों से बात क्या करूं। हाँ, मगर तुम्हारे इस डिपार्टमेंट में मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं कितना कम बोलता हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ संभाल लेते। यू मेक ड्रिंक्स फॉर पीपल, यू गेट दी सिगरेट्स एंड यू नोटिस ऑल दोस लिटिल थिंग सो दैट आई कैन रिलैक्स। डू यू थिंक आई डिपेंड टू मच ऑन यू? नो नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझ पर डिपेंड करते हो? अब ना मत कहना, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वैसे मैं हाँ नहीं कहने वाला। तुम भी ना डॉक्टर। अच्छा तुमने ये रजत की फिल्म देखी नई वाली? इसमें उसने पहली बार कमर्शियल सिनेमा के थ्रू बड़ा ही अच्छा सा मैसेज दिया है। एंड आई बैडली वांट हिम टू कनेक्ट विद सोना। आई होप शी सेटल्स अगेन। अरे हम कौन होते हैं उसकी प्रायोरिटी सेट करने वाले? खैर इन सब बातों का क्या मतलब? बड़ी देर हो रही है, अभी तो कोई आया नहीं। अरे बाबा, कोई भी 7 बजे से पहले आएगा क्या? अरे हाँ, they are supposed to come here at 5:30. वैसे आज किसकी बारी है? आज वो यंग राइटर्स एसोसिएशन, उनका कुछ फॉर्मल प्रोग्राम। क्या उसे ये सब कुछ पसंद है? किसे? बर्वे, दिवाकर बर्वे द ग्रेट। वैसे तो बर्वे को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद, पर तुम तो बर्वे को जानती हो डॉक्टर, उसे मना करना नहीं। और मैं उससे कहती रहती हूँ कि उसे ना कहना आना चाहिए। कितना अजीब लगता होगा ना उसे? नहीं अजीब? अजीब क्यों? अजीब नहीं लगता होगा? अरे दुनिया भर की खोखली सुर्खियां, फूलों के हार, मीडिया के लोग, लंबे लंबे भाषण। यू नो डॉक्टर, नो अमाउंट ऑफ लाइमलाइट इज अननेसेसरी, और आदत पड़ जाती है इन सब चीजों की। मुझे तो सोच कर भी घबराहट होती है। अब बर्वे को ही देख लो, हालांकि कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पर तैयार हो इन सब चीजों के लिए। ये तुम पार्टी बर्वे के लिए दे रही हो ना? But don't call it a party. I want it to be a nice and quiet dinner. हाँ, ये करना जरूरी था। मैं तो ये भूल गया था कि वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। Come on, doctor. Don't be sarcastic now. अरे मेरा वो मतलब नहीं बदलेगी। अच्छा एक बात, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो ये सब कुछ deserve करता है? क्या? ये award? ये डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूँ? अब तुम बात को टालने की कोशिश कर रहे हो। देखो देवयानी, तुम्हारी इस चकाचौंध भरी दुनिया से मेरा क्या काम, और इस कला, तुम्हारी जो कला है ना उसके बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं है, तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मगर एक अवार्ड, अगर एक अवार्ड किसी की शोहरत का मापदंड हो सकता है ना, आई एम सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अरे बाबा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, वो डिजर्व करता है। हाँ, मैंने कब मना किया? डोंट यू थिंक ही इज मैग्निफिसेंट? अरे मैं उसके बारे में जानता ही कितना हूँ। यू नो,
Barve has donated his entire money to Leper Squad. And he runs so many trusts. उसको तो ये तक मानना है कि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम गरीबों की मदद करें। पर तुम ये सब सुन के चुप क्यों हो? सच कहूं, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर उसकी जगह मैं होता क्या ये सब कुछ कर पाता? ऑफ कोर्स कर पाते, आफ्टर ऑल यू आर परफेक्ट। थैंक यू। ये सोना दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गई? पूछो मत। क्यों, अब भी वैसी? अभी भी वैसी की वैसी, वो बातों को भुलाना ही नहीं चाहती है। उसे थोड़ा सा वक्त दो देवयानी। कितना वक्त दूँ मैं उसे, कितना वक्त? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें तुम किसे गलत मानती हो, सोना को या अमल को? अब वो क्या है ना डॉक्टर, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। सोना मेरी बहन है और अमृत, अमृत मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं यही चाहती थी कि उन दोनों के बीच में सुलह हो जानी चाहिए। अरे हाँ, वो डिवोर्स पेपर आ गया। अब वो डिवोर्स पेपर्स का क्या फायदा, अमृत तो चला गया है आदिवासियों के बीच में, और ये मुहतरमा, ये तो अमृत के अलावा किसी से मिलना ही नहीं चाहती है, किसी का नाम ही नहीं लेना चाहती है। आप क्यों नहीं बात करते उससे? मैंने बात की थी उससे। बड़ा ही अजीब सा बिहेव करती है, मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, और जब बात करती भी शी हर्ट्स मी अ लॉट। यू नो डॉक्टर, वी वर फ्रेंड्स मोर देन सिस्टर्स, बट आई वंडर things have changed, completely changed. Devyani, relax. मैं बात करूंगा फिर से। हाँ, आपकी बात तो समझेगी, नहीं तो वो तो लोगों से दूर भागना चाहती। Big deal. कई लोगों के डाइवोर्स होते हैं। That doesn't mean you hold on. You have to let go and move on. अगर उसकी और अमृत की बनी नहीं, so what? वो फिर से एक बार सेटल होने के बारे में सोच सकती है, और उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि she is 40 plus, she is fat and she has a 15-year-old kid. और उसको ये याद रखना चाहिए कि उसे इस उम्र में एडजस्ट करना आना चाहिए। Don't be rude, Devyani. ये उसकी लाइफ है, और तुम बड़ी बहन होने के नाते उसकी जिंदगी तय नहीं कर सकती। But she can't pile on me like this. तुम कुछ ज्यादा ही कड़वाहट से पेश आ रही हो। मैं कड़वाहट से पेश आ रही? वो मुझे देखना तक नहीं चाहती, पर यहाँ आके रहना चाहती है मेरे साथ। And she makes me feel as if I'm responsible. मैंने माना कि उन दोनों की शादी मैंने कराई थी, लेकिन after 17 years, you can't blame me for everything. Devyani, relax. नफरत करती है डॉक्टर, वो मुझसे नफरत करती है। प्लीज अपना मूड मत खराब करो। बैठो। ओके, लेट मी गो एंड सी इफ शी इज रेडी। सोना, दरवाजा खोलो सोना। मैंने कह दिया है तुमसे। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, बहुत हो गया है सोना। जब आने वाला है? हाँ आने वाला है।
मी ए फेवर, उस आदमी का मेरे पास भी मत भटकने देना। देखा देखा डॉक्टर साहब, देखा आपने कैसा बिहेव करती है मेरे साथ। और एक बात तो बताना, मैं आपको भूल ही गई थी कि रजत ने आज फिर से मुझसे पूछा है, वो अब भी सोनम से शादी करना चाहता है। मैं समझ गया। डॉक्टर ये बात आप प्लीज सोना को मत बताइएगा, नहीं तो नाराज हो जाएगी। और ये रजत ये भी एक नंबर का पागल है। अरे ये भी कोई वक्त होता है पूछने का जब वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती है, किसी से बात ही नहीं करना चाहती है। वैसे कुछ दिन पहले तुम रजत की बड़ी तारीफ करती थी। मैं रजत की तारीफ नहीं कर रही थी डॉक्टर, मैं उसकी फिल्मों की तारीफ कर रही थी। ओके ओके, अच्छा ये बताओ क्या कौन कौन आ रहे हैं पार्टी में। सारिका आ रही है, भरत आ रहा है। भरत? हाँ क्यों? तुम जानती हो देवयानी, तुम्हारे बाकी के दोस्त उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू नो डॉक्टर, यू आर नॉट ओनली बीइंग अनजस्ट बट पॉजिटिवली विशेस टू, आई मस्ट से दिस। तुम जानती हो मैं सही कह रहा हूँ। मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारी इस चकाचौंध भरी दुनिया में दूर खड़ा रहकर सिर्फ रौनक को देखो। A nice position to be in. And highly amusing. अब तो मुझे demoralize कर रहे हो। You have nothing nice to say about any of my friends. I think you are against creativity. No, no. I am against shallowness. What? You think I am shallow? तुम्हें जो कहना है आज पार्टी में रजत का ध्यान रख लेना। अरे रे रे रे, ये कौन सा बदला ले रही हो मुझसे? अरे ये बदला नहीं है, you stick to your moldy opinions. उनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। But ये रजत it would be a nuisance. If not Sona, he will get up to Urmila. Urmila? अरे Urmila काफी बड़ी है उम्र में, अपनी देखभाल खुद कर सकती है। अब तुम तो जानते ही हो डॉक्टर उर्मिला की क्या हालत हो रही है आजकल। आई थिंक वो शादी करना चाहती। मुझे नहीं लगता, शादी करनी ही होती तो कब की हो गई होती। अरे पिछले 7 साल से दोनों साथ में रह रहे हैं। anyway, परवे से पूछूंगी मैं इस बारे में। Hello. So good to see you. Thank you. So happy to see you.
अच्छा घर जल्दी चले। ठीक है मामलों में कोई कह भी क्या सकता है। Then what's the way out?
उन्हें अपने आप को बिजी रखना चाहिए। यह कहना बहुत आसान है यंग मैन। मैंने उससे बात की थी, मैंने उसे कहा था कि वो अपनी रिसर्च फिर से शुरू कर दे, मगर जैसे कैसा रहा? चलते ना, मत समझिए बहुत बड़े टैलेंटेड
बनाई हुई चीज जब लोग पसंद करते हैं ना, यकीन मानिए बड़े ही ग्रेटिफाइंग चीज है। अंडरस्टैंड? सारे इंडिया की मिडिल क्लास की उम्रदराज कुंवारियां, छोड़ी हुई बीवियां, पट्टी टूटी होगी आपकी इस गुड़ की चाशनी में। ओह माय गॉड, बड़ा ही दोगले किस्म के इंसान है आप। दर्दिस आम आदमी की बात करते हैं और उसी आम आदमी के टेस्ट की खिल्ली उड़ाते हैं, और हम जो उस आम आदमी को भाने वाली चीज दिखाते हैं तो हमारी बिल्ली उड़ाते हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। और एक बात बता दो, हम जो उस आम आदमी का मनोरंजन करते हैं और उसके रोजमर्रा के 2-3 घंटे का दुख दर्द दूर करते हैं तो क्या बुरा करते हैं साहब? यही तो वो चाहता भी है। I love you. Is it? 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 Is it
चलो अभी अंदर चलो। क्या लगता है मैं तमाशा देखती हूँ? हाँ चलो, यहाँ बहुत सर्दी है। हेलो, आई लव यू। बहुत बदल गए हो। जाओ पर सुनो, विड्रॉल बैंक देना। स्टूपिड। जाती है और निप भी जाती। मेरे पति
दादी ने भी तो यही किया था। आप लोगों की लव मैरिज हुई थी ऐसा लगा था मुझे उस समय, बट ही वॉज नॉट माई सॉर्ट, और बहुत जल्दी ही मैं ये समझ गई थी। लेकिन मैंने छोड़ नहीं दिया था, इट वॉज ऑफ। एक रात भी ऐसी नहीं जाती थी जब वो नशे में धुत होकर घर नहीं आते थे। कभी कभी पूछा आपने उनसे वो ऐसा क्यों करते थे? बहुत बार पूछा, ये सवाल जिंदगी भर मेरा पीछा करता आ रहा है। क्या नहीं किया मैंने उनके लिए, हर सुंदर चीज से उनका परिचय कराया, संगीत, साहित्य, कला, बट ही नेवर केयर्ड। तुमने उसे सिर्फ दुत्कारा, यू लैक हिम सोना। यू डिड, यस यू डिड सोना, दिस इज अनजस्ट। समस्या तुम लोगों ने बना रखी है, मैं अकेली अपने बेटे के साथ सिर ऊंचा करके जीने के लिए तैयार हूं। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? पहले तुम्हें पापा पे शर्म आती थी, अब तुम्हें मुझ पे शर्म आ रही है। मैं सच सच नहीं करती ना, मैं सोशलाइज नहीं करती ना तुम्हारे उन दोस्तों की तरह। सोना, इनफ इज इनफ, तुम जिम्मेदार हो इन सबके लिए। सजा दोगी मुझे? सजा दोगी तो दो, बट फॉर हेवन्स सेक ये झांझे बंद करो, अंडरस्टैंड? अपने बॉयफ्रेंड से कह दो मेरा पीछा ना करे। क्या कहा, क्या कहा तुमने? मैं उनके ग्लैमर तले नहीं दबती। वो प्रतिभाशाली लोग हैं, दे आर क्रिएटिव पीपल, समझी? और तुम पैरिस उन लोगों की शोहरत और उन लोग का जस जूस कर जी रही हो तुम। सोना, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, जस्ट शट अप एंड गो अवे एंड लीव मी। कहाँ चले? अरे बाहर वहाँ लॉन में सब लोग स्मोकिंग करती है ना। ये लोग हमें पार्टियों में बुलाते हैं और लड़ाइयाँ झगड़े करते रहते हैं। हाँ ये तो है। डर गए मुझसे? अरे तुम्हें सीड्यूस नहीं करूँगी, विश्वास करो। अरे आप भी, क्या बात? नाराज हो गए, बहुत सेंसिटिव हो गए। आई वांट टू अपोलोजाइज। जी वो ठीक, आज नरेंद्र नहीं आया। नरेंद्र वैसे भी हर पार्टी में आता है और सो जाता है, और अब तो इतना मोटा हो गया है कि बहुत बच्चा सा लगने लगा है। मुझे मोटापे से बहुत डर लगता है। अरे तुम तो कभी मोटे हो ही नहीं सकते, जब तक वो आग तुम्हारे अंदर जलती है ना, तुम इसी तरह हैंडसम और जानदार दिखोगे। देखो मुझे गलत मत समझना। हाँ करने की बात आती है ना, तो ये लोग
बहुत इंपॉर्टेंस की नहीं, अन्याय करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं ये लोग। जानते हो एक साहित्यिक डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है, देवयानी उसमें मेरा नाम तक नहीं भेजना चाहता। रशिया जाओगे? मैंने कहा रशिया जाओगे? ऑफ कोर्स, मैं जिंदगी का हर अनुभव लेना चाहता हूं। अगर हम लोग साथ चले तो लवली आएगा, जरूर चलेंगे। ना बाबा ना, रहने दो, फिर तुम कहोगे आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू चेज यू। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, वैसे ही कहूंगा, मुझे पता है। उर्मिला संभव जो क्या हुआ? क्यों पीती हो इतना? कि पीने से तो कोई सवाल का हल नहीं हो जाएगा ना? ना पीने से हो जाएगा? हाँ हमारा हुआ, बोलो। सवालों की बात रहने दो ना। मेरा मेरा ग्लास है। मत पियो, मत पियो मेरे को, मैं नींबू पानी बना लूँगा। मौलिक सोच का क्यों नहीं काट पाता हूं मैं अपने आप को
जिंदगी के इस घटिया तौर से बैग की जरूरत है या मेरे घटियापन की घटिया जरूरत या मेरा घटिया अहम जो इन रेंगती बिलबिलाती हस्तियों को देखकर खुश होता है और अपना पीठ ठोकता है, इनसे तो बेहतर हूं। कहाँ जाऊं उसको छोड़ के, बोलो। अरे कहीं भी। गुलाम होकर रह गई हूँ मैं उसकी, गुलाम होकर रह गई। जानती हो I hate these parties।
आई हेट दीज पार्टीज। मुझे उसकी हर उस चीज से घिन आती है जिसे वो पसंद करता है, उसके दोस्तों से, उसके किताबों से, और फिर मैं पीती हूं, वो भी पीता है, पर वो पीकर सो जाता है, पीकर भी मुझे नींद नहीं आती। और इसको सोता हुए देख मेरे अंदर आग से भड़क उठती है। रात भर उसको ताकती रहती हूँ, सोचती हूँ शायद वो जाग जाए, शायद वो मुझे अपनी बाहों में ले ले। पर उसको जगाने की हिम्मत नहीं होती मुझ में। हर वक्त डरी हुई। सुनो, मैं बदसूरत दिखने लगी हूँ ना? हाँ नहीं उर्मिला नहीं, चलो कुछ देर आराम कर लो। गॉड, मेरी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं। हाँ, और मैं कितनी बदसूरत करने लग गई थी। दुनिया वो जवान लड़कियों को देखो कैसी सजती हैं, कितनी ताजा लगती है। सात सालों में मैं कितनी बदल गई है ना। हाँ, मैं दिवाकर में इतनी खुल गई हूँ कि सोना क्या करूँ बोलो। चार चार घंटे रियाज करती थी, अब तो आवाज ही नहीं हुई। तुम फिर से एक्टिंग शुरू कर दो, स्टेज पर जाओ। हाँ जाती हूँ मैं भी, इस बार कोशिश कर चुकी हूँ, जाती हूँ कि इस भंवर से निकलूं। और अपने बलबूते पे बस एक बार दिवाकर मुझसे प्यार करे, सच्चा प्यार, एक बार के लिए मैं फिर से काम शुरू करूँ। I'll be happy again, सच में। पर वो चलो बाहर चलते हैं। क्या सुनेंगे मेरे बारे में? अरे भूल जाओ लोगों को। मेरे बाल ठीक है? हाँ, मेरे फर्स्ट है ना, मेरे फर्स्ट है। अल्कोहलिक होती जा रही है। मैंने तो अभी सोचना भी छोड़ दिया। किसी का हमारा होना भी बहुत बड़ी नियामत है, पर she loves you। ये सच नहीं है। But she loves you in distraction। पर मैं उससे प्यार नहीं करता, और वो भी ये समझ चाहिए। Don't say that, ऐसा ही होता है।
लेकिन उसने तुम्हारी खातिर अपना करियर तक त्याग दिया। मेरी खातिर? मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग अपने आप को धोखा क्यों देते हैं। तुम जानती हो वो एक मेडियोकर एक्ट्रेस थी और एक मामूली सी एक्ट्रेस होने के नाते उसका कोई भविष्य नहीं था। लेकिन और इस बात को वो समझ गई थी, इसीलिए उसने कभी रिस्क नहीं लिया। मुझसे प्यार का बहाना बनाकर सच्चाई को टालती रही। अब सुख लूटेगी, जिंदगी पर मुझे दोष देने का सुख। You are becoming bitter. मैं सच बोल रहा हूँ, जो चल रहा है उसका अंजाम वो नहीं जानती। सच्चाई को टालना और पीना, बस आजकल मेरे साथ पीती है वो। रात रात भर उसके बगल में लेटा रहता हूँ, आंखें बंद के करके नींद का बहाना करता हूँ। डरता रहता हूँ कि अगर जरा भी हिला तो वो मुझे छुएगी, लिपट जाएगी, रोएगी। क्या करूँ? हेलो जी, अच्छा किसका फोन? भरत का फोन। भरत अभी तो नहीं, शायद बालकनी में है। भरत, योर फोन। समझोगे बरखुरदार। आज तुम्हारी मुट्ठी में मेरी तरह खाली है।
मैं यकीन के साथ सब नहीं कह सकता। मैं खत्म हो जाऊंगी तो मेरी याद का हल्का सा छींटा भी नहीं। सोना ने मुझसे आज क्या कहा पता है? क्या? उसने कहा कि मैं पहला से क्या है तुम जानती हो और मैं भी जानता हूं, मगर हम तैयार नहीं हैं उसका सामना करने को। दरअसल हम जीवन से दूर भागने वाले प्राणी हैं दीवानी। क्यों हम किसी न किसी तरह भीतर ही भीतर खत्म होते जा रहे? रात रात भर जागती रहती, नींद ही नहीं आती। सोचती परसों तो एक अजीब घटना हुई। क्या? सारा दिन मैं भटकती रही दिशा में, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, दुकानें, जाने कहां। अचानक ट्रैफिक सिग्नल पे आके गाड़ी रुकी, सिग्नल शुरू हो गया और मैं बस ऐसे ही बैठी रही कंप्लीटली ब्लैंक। फिर अचानक मेरा रोना फूट गया इतने जोर से कि आंसू रुक ही नहीं रहे। समझ ही नहीं आ रहा था क्या मन के भीतर एक गहरा सन्नाटा सा, मानो एक पत्ता भी नहीं क्या मेरी बात सोना जी से हो सकती है? आप कौन? जी जी मैं अमित का दोस्त बोल रहा हूँ। देखिए आप सोना जी से बात नहीं करें तो वो ही अच्छी। देखिए हेलो देखिए मेरी बात करवा दीजिए, बहुत जरूरी बात है, प्लीज मेरी बात करवा दीजिए प्लीज। ओके ओके सोना आपके लिए फोन। अमृत का होएगा, मैंने कहते थे अपने फोन कर रहा। Yeah.
कैद, तुम सब कैद हो इस चकाचौंध की दुनिया में। हमें तो बताया गया था कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत तो है, पर हम सब इसमें कैद हैं। तो खूबसूरती जरूरी है या आजादी? खूबसूरती, खूबसूरती, आजादी, आजादी, आजादी। तो कब मिलेगी हमें ये आजादी? जब शायद ये मन पैसे, प्रसिद्धि, शोहरत, यश, इन सब की जुस्तजू न। ऐसे तो इंसान मर ही जाएगा ना? ऑफ कोर्स। पर हम सब कैद तो हैं अपने ही मन के भवर में, तो क्या जुस्तजू ये ख्वाब, ये ख्वाहिशें छोड़ दें? ये जुस्तजू पाले रखना गलत नहीं, इस जुस्तजू से जुड़ जाना गलत, ये प्यार करना गलत नहीं, इस प्यार से जुड़ जाना गलत। जाने दो उसे, जाने दो उस यश को पाने का ख्वाब देखना गलत नहीं, गलत नहीं। इस यश को जुड़ना गलत है। लव, मनी, फेम, सक्सेस, ऑल इज फाइन, बट टू गेट अटैच्ड टू इट इज नॉट। क्यों हर पल, हर लम्हा ये नागा दिल अपने अंदर एक जुस्त जो संभाले रखता है, क्या उसे मालूम नहीं कि सपने अक्सर टूट जाया करते हैं? क्या उसे अब भी एहसास नहीं कि जितना भी ढूंढने की कोशिश करे उनका ढूंढना तो है? अरे बाबरे मन, अरे बाबरे मन, जो तो जुस्त जो अपने अंदर महफूज संभाले रखता है, हर पल हर लम्हा भीड़ में अकेलेपन में अधूरेपन में खो जाना उसकी फितरत है। रो ले जितना रोना है, रो ले जितना रोना है, क्योंकि मैं जानती हूँ तू इस जुस्तजू में फिर से फंसेगा, जब घाव तेरा ये भरेगा तो तू एक और जुस्तजू अपने अंदर पाएगा।